आज के वीडियो में मैं आपको दो तीन चार सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ये सवाल कौन से, सबसे पहला एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि क्या इसमें फुल टाइम करियर की तरह हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि कल मेरे पास ये क्वेश्चन आया था जब हमने बोला कि हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं उस समय, और उसके बाद मैंने सोचा कि यार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है तो इसका जवाब देना चाहिए। इसके बाद तीसरा सवाल है कि आने वाला जो टाइम है वो तो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो क्या वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो क्या वो चीजें हम कर पाएंगे, तो इसका आंसर मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोगों के मन में ऐसे कुछ सवाल है तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग ना कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा समझिए। अब मान लीजिए एक कंपनी है ए नाम की, अब बहुत सारे कस्टमर्स हैं मार्केट में, हम इंडियन है, इंडियन के अंदर अगर मैं बात करूं इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अब सारे के सारे लोग उस ए नाम की कंपनी को तो जानते नहीं है, और ना ही कंपनी सारे लोगों को जानती है, तो हम में से कुछ लोग अपने नॉन सर्कल में बोलते हैं कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करे थे, आप इसका इस्तेमाल कर लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू कर लेना। तो मेरे रिकमेंडेशन पे आपने क्या किया, वो कंपनी से कुछ प्रोडक्ट बाय कर लिए, तो उसके बेस पे मुझे मिल गया कमीशन, यही एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, जस्ट रिकमेंडेशन पे आप बोलेंगे अच्छा मुझे घर घर जाकर लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग मत समझो इसको, एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग से डिफरेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में घर घर जाकर बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के जीवन निकल गए, चप्पलें घिस गए, जूते घिस गए, तलवे तक घिस गए पैरों के, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे आपको किसी को कन्विंस करने की नीड नहीं है। जैसे मैं ये वीडियो बना करके अपने विचार, अपना व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे रहा हूं, तो इसी तरीके से आप वीडियो के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यहां पे अपने विचारों को रखिए, अपने रिकमेंडेशंस को रखिए। अगर लोगों को आपकी रिकमेंडेशंस पसंद आएगी, दे विल बाय एंड यू विल लर्न, राइट। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आप वीडियो नहीं बना सकते, आप फेस रिवील नहीं कर सकते, आप अच्छे स्पीकर नहीं है, कोई बात नहीं, आज के टाइम पे AI चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT है ना, आप क्या करिए चैट GPT पे जाइए, वहां से एक ब्लॉग लिखिए अच्छा खासा, जो भी प्रोडक्ट आप रिकमेंड करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को क्या करिए, सिंपली उसके लिंक इंटीग्रेट कर दीजिए अपने ब्लॉग के अंदर, और ब्लॉग को इस तरीके से प्लेस करिए ताकि वो सर्च इंजन में आ सके गूगल के। और अगर मान लो पूरे महीने के अंदर मात्र 2000 लोग भी आपके ब्लॉग को पढ़ लेते हैं आपकी मेहनत से, शेयरिंग से, बैकलिंक से, इन सब चीजों से मिला करके, और 2000 में से मात्र 20 लोग भी परचेज कर लेते, तब भी 1000-2000-3000 रुपए तो बन जाएगा ना एक ब्लॉग से। तो ब्लॉगिंग करके भी एफिलिएट मार्केटिंग करा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वीडियो बना करके ही करें, तो एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या इसको एज अ फुल टाइम करियर के रूप में लिया जा सकता है, यस बिल्कुल लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लो फुल टाइम जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-3 करोड़ रुपए कमाते हैं, यस बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 करोड़ रुपए कमाते हैं जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू करा था, फुल टाइम करियर के रूप में लिया था, और आज वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग से भी पैसा आ रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं। लीड गुरु क्या है, जितने लोगों ने लीड गुरु का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है, उसने एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर दिया, एफिलिएट प्लेटफॉर्म भी बना दिया खुद का, आज देखो करोड़ों में मिल रहा है बंदा, तो आप खुद भी अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, तो करियर के रूप में इसको लिया जा सकता है। अब बात करते हैं आने वाला टाइम, तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहां पे हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे, हमें तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है, आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है यार, हर चीज सीखी जा सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं सीखा जा सकता यार, दुनिया में आप पढ़े लिखे हैं नहीं वो बात की बात है, लेकिन भगवान ने इतनी बुद्धि तो आपको दी है कि अगर कोई चीज आपके सामने करके दिखाई जाए उसको आप कर लेंगे। अगर मान लो मैं आपको कान पकड़ के उठक बैठक लगा करके दिखाऊं और आपको बोलूं कि आप ऐसा ही आप करिए तो क्या नहीं सीख पाएंगे, एक बार दिखाऊंगा दूसरी बार में आप खुद सीख जाएंगे। कोई भी काम जब आपको करके दिखाया जाता है तो उसको व्यक्ति कॉपी कर लेता है इजीली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो, दुनिया में कुछ भी आएगा, स्मार्टफोन चलाना आता है ना, इसके अंदर व्हाट्सएप चलाना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, यूट्यूब चलाना आता है, ये सब कुछ आता है ना, कैसे आया, डे वन से सीख करके आए थे क्या, नहीं, लेकिन धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे लोग करते गए हमने लोगों को देख देख करके सीख लिया। आने वाले टाइम में ट्रेंड कितना ही चेंज हो जाए, कुछ भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप लोग देख देख करके सीख ही जाओगे, और लर्निंग के ऊपर अगर आपका फोकस है तो 110% आप मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, और चाहे कुछ भी आ जाए आप वहां पे अर्निंग कर सकते हैं। हर चीज का एक तोड़ होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बस आपका फोकस प्रॉब्लम पे ना होकर के सॉल्यूशन पे होना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं 110% यू विल मेक मनी, और थोड़ा बहुत नहीं जितना चाहें अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि मैं 2016-17 से मैंने अपना इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया था। 2014 में मैंने सीखा था, 14-15 सीखा, 16-17 से इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया था काम, और आज तक इंडिपेंडेंट करता है। मार्केट में कुछ भी चीज आती है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सब कुछ सीखता जाता हूँ। लर्निंग पावर बहुत है, डेली बेसिस पे लर्न करता हूँ, और लर्निंग के साथ साथ फिर टीचिंग करता हूँ, टीचिंग से मुझे पैसा आता है। तो अगर आप लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग डिटेल में सीखना चाहते हो, पहले महीने से 50,000 रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ बाकी ट्रेनर्स की तरह, पहले महीने से 50,000 रुपए की अर्निंग करवा करके दूंगा। अगर मान लो नहीं हुई, 2,500 रुपए फीस हम लेते हैं, 2,500 की जगह 3,000 रुपए मुझसे वापस ले लेना, इतना श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैंने मार्केट में क्या रिसर्च किया, और मुझे पता है कि मैं किस तरीके से आपको काम करवाने वाला हूँ, और सारी की सारी चीजें मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। पढ़े लिखे हो नहीं हो, बाद की बात है, 2,500 रुपए के अंदर अगर पहले महीने 50,000 नहीं आया ना, तो 31वें दिन मुझसे 3,000 रुपए वापस ले जाना, और इससे ज्यादा श्योरिटी क्या दूं। जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया, जहां पे मैं डेली बेसिस पे अपडेट डालता हूं। मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, MyDPL सर्च करिए, पहले नंबर पे मेरा ऐप आएगा, जाकर के डाउनलोड कर लो, जहां पे बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग्स भी है। ऑफकोर्स फ्री ट्रेनिंग से तो देखो जितना दे सकते हैं डेफिनेटली उतना हम देंगे, लेकिन पेड क्लासेस में जो चीज होगी वो अनबिलीवेबल होगी, और सच में आप अर्न करेंगे, 110% करेंगे। अदरवाइज 2,500 का 500 ऐड करके 3,000 मुझसे ले जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, हैव अ गुड।